हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपांकर और ये है पोर्ट रॉकर्स 250। ये एक इन ईयर टाइप ब्लूटूथ हेडसेट है और इसकी कीमत है 2500 रुपये। इस प्राइस के हिसाब से इसके फीचर्स तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं और इस वीडियो में मैं देखूंगा कि आपको इस ईयरफोन में बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस ईयरफोन की परफॉर्मेंस कैसी है, आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। यहाँ बॉक्स के ऊपर ही मेंशन है कि ये HD क्वालिटी का ऑडियो स्ट्रीम करता है और ये IPX7 रेटिंग के साथ आता है, यानी ये वाटरप्रूफ है, इसीलिए ये वर्कआउट्स और रेन में इस्तेमाल करने के लिए ठीक है। APTX ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, यानी कि हाई क्वालिटी ऑडियो ब्लूटूथ पे ट्रांसफ़र करता है। अगर बॉक्स पे पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि इसका टॉकिंग टाइम 6 to 8 आवर्स का है, म्यूजिक प्लेबैक 6 to 8 आवर्स का है और चार्जिंग टाइम 1.5 to 2 आवर्स का है। अब नीचे यहाँ फीचर्स भी मेंशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है IPX7 वाटरप्रूफ, ब्लूटूथ वर्जन 4.1, रिचार्जेबल बैटरी 120 mAh की, जहाँ पर 2 60-60 mAh की बैटरी दोनों ईयर टिप पे हैं, मैग्नेटिक ईयर टिप है जिससे ये आपस में चिपक जाएंगे और आपके गले से नहीं गिरेंगे। ब्लूटूथ ईयरफोन कॉम्पेटिबल है एंड्रॉयड, iOS और विंडोज़ के। हाई क्वालिटी केबल्स हैं जिनमें टैंगल नहीं होगा, यानी आपस में उलझेंगे नहीं। और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ मेंशन हैं। नीचे यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि इस पैकेज के अंदर आपको मिलेगा इन ईयर हेडफोन, USB चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा ईयरबड्स और ईयर हुक्स। तो चलिए इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। और ये है वो ईयरफोन जिसका इंतज़ार मैं कर रहा था। इससे पहले कि मैं इसको यूज करूँ और बताऊँ आपको इसके बारे में, पहले देखते हैं कि इस बॉक्स में और क्या क्या है। और यहाँ ऊपर एक माइक्रो USB केबल है जो कि इस ईयरफोन को चार्ज करने के लिए काम आएगी। और नीचे यहाँ एक बॉक्स है जिसमें बोट लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर एक कैरी केस है और इस कैरी केस के अंदर एक्स्ट्रा ईयरबड्स होने चाहिए। चलिए खोलते हैं इसको। और यहाँ पर ये काफ़ी पैकेज हैं। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं एक्स्ट्रा ईयर टिप और एक्स्ट्रा ईयरबड्स। तो ये हैं वो सारी चीज़ें जो आपको इस बॉक्स के अंदर मिलेंगी बोट रॉकर्स 250 के साथ। इस हेडफोन का वजन 190 ग्राम है और यहाँ पर 2 ईयर टिप हैं जो एक लंबे वायर से कनेक्टेड हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए पीछे की तरफ से लाकर आप अपने कान पर फंसा लीजिए और जब इस्तेमाल नहीं करना हो तो कान से निकाल कर इन दोनों ईयर टिप्स को आपस में चिपका दीजिए और ये आपस में चिपक कर बिल्कुल सेफ रहेंगे। केबल की क्वालिटी भी बढ़िया है, उसकी लंबाई भी ठीक है। यहाँ पर केबल के बीच में एक इनलाइन कंट्रोल बोर्ड है जिसमें 3 की हैं। यहाँ पर आपको 2 की हैं जिसमें प्लस और माइनस लिखा हुआ है। इनसे आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं और ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। बीच वाली की से इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं या म्यूजिक प्ले या पॉज कर सकते हैं या फिर कॉल रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पीछे की तरफ एक माइक्रोफोन भी दिया गया है। इसमें ऊपर की तरफ एक बहुत छोटी LED लाइट भी है जो कि ज़्यादा ही छोटी है और शायद आपकी नज़र से एक बार उतर जाए। ये ब्लू कलर से ब्लिंक करती है और जिस समय आप इसको ऑन करते हैं तो इसमें एक नोटिफिकेशन साउंड भी आएगा जो ये बताएगा कि ये ऑन हो गया या ये कनेक्ट हो गया या ये डिसकनेक्ट हो गया। ये कान में आसानी से फिट हो जाते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बहुत सारे ईयरबड्स दिए गए हैं, आपको वो सारे ट्राई करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि कौन सा आपके कान में परफेक्ट फिट होता है। मैंने इसको इस्तेमाल करा वर्कआउट्स पे, रनिंग पे और मैंने बहुत तरीके से टेस्ट करा। अगर आपने परफेक्ट ईयरबड जो कि बेस्ट फिट होता है आपके कान में वो लगाए हैं तो ये आसानी से आपके कान से बाहर नहीं आएगा। अब अगर बात करें म्यूज़िक क्वालिटी की तो वो बहुत बढ़िया है। इसका साउंड तेज है, बिल्कुल क्लियर है। इसमें बेस, ट्रेबल और बीट्स का परफेक्ट मिक्सचर है। हाँ, अगर हाईएस्ट वॉल्यूम पर जाएँ तो वहाँ थोड़ा सा साउंड डिस्टॉर्ट होता है और क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह जाती, लेकिन ओवरऑल मुझे इस प्राइस के हिसाब से इसका साउंड एक्सपीरियंस अच्छा लगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रेंज बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 10 से 12 मीटर तक की है और इस रेंज में ये बहुत बढ़िया काम करता है। अब अगर बात करें बैटरी लाइफ की तो आपको 7 से 7.5 घंटे का बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा जब ये फुल चार्ज है तब। और ये बैटरी फुल चार्ज होने में लेती है 1.5 घंटे से 1.25 घंटे तक। एक और नोटेबल फीचर ये है इस हेडफोन में कि ये डुअल पेयरिंग सपोर्ट करता है, यानी आप 2 अलग अलग डिवाइसेस से हेडफोन को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
तो जैसे मान लीजिए कि लैपटॉप से गाना बज रहा है और आपका फ़ोन भी कनेक्टेड है, और जैसे ही फ़ोन में कॉल आएगी तो ये अपने आप लैपटॉप से फ़ोन में स्विच हो जाएगा और आप सीधे बीच वाले बटन दबाकर कॉल को रिसीव कर सकते हैं। बोट रॉकर्स 250 की म्यूजिक क्वालिटी बढ़िया है, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और IPX7 रेटिंग के साथ आता है, यानी ये वाटरप्रूफ है। इसलिए अगर वर्कआउट के समय आपको बहुत पसीना आता है या कभी आप बारिश में भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये ख़राब नहीं होगा। प्राइस के हिसाब से मुझको इसके फीचर्स अच्छे लगे, इसकी म्यूजिक क्वालिटी बढ़िया लगी, तो मैं तो इस हेडफोन को बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको अभी भी इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।